नवप्रभात मोटर चालक संगठनद्वारा स्थापना दिवस पालन मङ्पू 8 मार्च। आज स्थानीय सिमले सार्वजनिक भवनमा दिपेन थापाको अध्यक्षतामा नवप्रभात मोटर चालक संगठनको स्थापना दिवस पालन गरियो। समारोहका प्रमुख अतिथि एनएचपीसी टीएलडीपी 3 का मुख्य अभियन्ता एके ग्रोभरको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गरेर सुरु गरियो। पवन बलले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा चालक संगठनका सभापति अमित राईले संगठनमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै संगठनमा कार्यरत चालकहरूको बीमा योजना 1 लाखसम्म संगठनले प्रदान गर्ने घोषणा समितिका अध्यक्ष अमित राईले गरे। यसरी एनएचपीसीमा कार्यरत असल चालक क्रमैले उदय तामाङ, आधार अली अनि विकास थापालाई आयोजक समितिको पक्षबाट उपहार दिएर सम्मान जनाइयो। 2007 स्थापना गरिएको नवप्रभात मोटर चालक संगठनले आज 14 स्थापना दिवस पालन गर्दै चालकहरूले मिठा गीतहरू प्रस्तुत गरे। यसरी संगठनका कानून सल्लाहकार प्रणय राईलाई पनि समारोहका प्रमुख अतिथिको बाहुलीबाट उपहार अनि फूलको गुच्छा दिएर सुसम्मान जनाइयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि एनएचपीसी मुख्य अभियन्ता प्रभारीले एनएचपीसीले विद्युत उत्पादनसँगै यस वरिपरि क्षेत्रमा थुप्रै विकासमूलक कार्य गर्दै आइरहेको र एनएचपीसीको पक्षबाट यस संगठनलाई जस्तो सहयोग चाहिन्छ त्यसको निम्ति आफू सधैँ तयारी रहेको बताए। यस कार्यक्रममा नवीन मिश्र, कृष्ण गुप्त, रवि राय लगायत अन्य अतिथिगण उपस्थित थिए भने अन्तमा श्याम थापाले धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको अन्त गरियो। आशा करता हूँ फ्यूचर में भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और कोशिश करूँगा कि जो भी आपकी डिमांड्स हों, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हों, मैं उनको पूरा करने का कोशिश करूँ। एनएचपीसी ना सिर्फ एक विद्युत उत्पादन में लगी हुई है, ये आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छा काम कर रही है। जैसे विद्युत के क्षेत्र के साथ साथ हम टॉयलेट का निर्माण भी कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हैं, उसमें भी आपको पूरा सहयोग हमें मिलता है। आप ना सिर्फ हमारे गाड़ियों को चलाते हैं बल्कि हमारे एम्बेसडर्स हैं, समाज को बताते हैं कि एनएचपीसी की क्या क्या एक्टिविटीज हैं, उनके बारे में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप पूरा सहयोग करते रहेंगे और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी मैं कोशिश करूँगा कि उनको सेटिस्फाई किया जाए।